Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. It's Oxford New Active English for class 4, page number 82, unit number 25, revision of units 1 to 7. Alibaba and the 40 thieves. Alibaba, Alibaba and or the 40 thieves, 40 chor. Alibaba or 40 chor. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली पेंसिल से अपने बुक के ऊपर जो डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड्स हैं उनके उर्दू में मीनिंग लिखते जाएं ताकि बाद में जब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे. लेट्स स्टार्ट. हैव यू एवर, क्या आपने कभी हर्ड, सुना है द स्टोरी, कहानी ऑफ अलीबाबा, अलीबाबा की. हैव यू एवर हर्ड द स्टोरी ऑफ अलीबाबा, क्या आपने कभी अलीबाबा की कहानी सुनी है. ही, वो, लिव्ड, रहता था, मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, इन ए कंट्री, एक मुल्क में, कार्ल, जो कहलाता था, पर्जिया यानी ईरान. ही लिव्ड मैनी ईयर्स अगो इन ए कंट्री, कार्ल, पर्जिया, पर्जिया यानी फारस, जिसका अब जो नेम है वो ईरान है. वो बहुत साल पहले एक मुल्क जो ईरान कहलाता था वहाँ रहता था. ही, वो, वास, था, ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी. ही वॉज ए पुअर मैन, वो एक गरीब आदमी था. एवरी डे, हर रोज, ही टुक, वे ले जाता, हिज थ्री हॉर्सेस, अपने तीन घोड़े, टू ए वुड, एक जंगल में, टू कलेक्ट, जमा करने के लिए, फायरवुड, जलाने की लकड़ियाँ. एवरी डे ही टुक हिज थ्री हॉर्सेस टू अ वुड टू कलेक्ट फायरवुड. हर रोज़ वो अपने तीन घोड़ों को जंगल में जलाने के लिए, लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए ले जाता. ही, वो, सोल्ड, बेचता था द वुड, लकड़ी को, फॉर मनी, पैसों के लिए. ही सोल्ड द वुड फॉर मनी, वो पैसों की खातिर लकड़ी बेचता था. वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, ही वाज, वो था, इन द वुड, जंगल में, ही सॉ, उसने देखा, 40 मैन, 40 आदमी, ऑन हॉर्सेस, घोड़ों पर. वन डे व्हेन ही वाज इन द वुड ही सॉ 40 मैन ऑन हॉर्सेस, एक दिन जब वो जंगल में था उसने 40 आदमियों को घोड़ों पर देखा. ही, वो, क्लाइम्ब्ड, चढ़ गया, ए ट्री, एक दरख्त पर, एंड हिड, और छुप गया. ही क्लाइम्ब्ड अ ट्री एंड हिड, वो एक दरख्त पर चढ़ गया और छुप गया. द मैन, आदमियों ने, लुक्ड, आदमी, लुक्ड, दिखते थे, लाइक थीव्स, चोरों की तरह. द मैन लुक्ड लाइक थीव्स, आदमी चोरों जैसे दिखते थे. दे वर कैरिंग, वो उठाए हुए थे, हैवी बैग्स, भारी थैले, ऑफ गोल्ड, सोने के. दे वर कैरिंग हैवी बैग्स ऑफ गोल्ड, वो सोने के भारी थैले उठाए हुए थे. दे स्टॉप्ड, वो रुक गए, इन फ्रंट ऑफ, सामने, ए बिग रॉक, एक बड़ी चट्टान के. एंड द कैप्टन सेड, और सरदार ने कहा. दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ बिग रॉक एंड द कैप्टन सेड, वो एक बड़ी चट्टान के सामने रुके और सरदार ने कहा. ओपन सेसमी, खुल जा सिमसिम. सेसमी वॉज अ मैजिक वर्ड, सिमसिम एक जादुई लफ्ज था. ए डोर ओपन इन द रॉक, ए डोर, एक दरवाज़ा, ओपन, खुला, इन द रॉक, चट्टान में, चट्टान में एक दरवाज़ा खुला. द मैन, आदमियों ने, टुक, लिया, द गोल्ड, सोना, इनसाइड, अंदर, एंड द डोर शट, और दरवाज़ा बंद हो गया. द मैन टुक द गोल्ड इनसाइड एंड द डोर शट, आदमी सोना अंदर ले गए और दरवाज़ा बंद हो गया. अलीबाबा वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अलीबाबा ने वेटेड फॉर इंतज़ार किया, अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक, अलीबाबा ने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया. देन, फिर, द मैन केम आउट, आदमी बाहर आए, एंड रोल्ड अवे, और घोड़ों पर चले गए. राइड की सेकेंड फॉर्म है रोड, राइड अवे यानी सवार होकर चले गए. द डोर शट, दरवाज़ा बंद हो गया. अलीबाबा क्लाइम डाउन, अलीबाबा ने नीचे छलांग लगाई, एंड और वेंट टू द रॉक, और चिटान के पास गया. ओपन ससमी, खुल जा सिमसिम, ही सेड, उसने कहा. द डोर ओपन, दरवाज़ा खुल गया, एंड ही वेंट इनसाइड, और वो अंदर चला गया. द प्लेस वास, जगह वास, थी फुल ऑफ गोल्डन कॉइन्स, सोने के सिक्कों से भरी हुई, एंड ज्वेल्स, और जवाहरात से, फुल ऑफ, भरा हुआ. द प्लेस वास फुल ऑफ गोल्डन कॉइन्स एंड ज्वेल्स, जगह सोने के सिक्कों और जवाहरात से या जेवरात से भरी हुई थी. दीज मैन आर नॉट ऑनेस्ट, ये आदमी ईमानदार नहीं है, सेड अलीबाबा, अलीबाबा ने कहा. अलीबाबा ने कहा ये आदमी ईमानदार नहीं है, दे आर थीव्स, ये चोर हैं. दे हैव स्टोलन, उन्होंने चोरी किया है, दीज कॉइन्स, इन सिक्कों को, एंड ज्यूल्स, और जेवरात को. दे हैव स्टोलन दीज कॉइन्स एंड ज्यूल्स, उन्होंने ये सिक्के और जेवरात चोरी किए हैं.
ही फील्ड उसने भरा सम बैग्स कुछ थैले विद कॉइन्स सिक्कों के साथ एंड पुट देम उन्हें डाला ऑन हिज हॉर्सेस अपने घोड़ों पर ही फील्ड सम बैग्स विद कॉइन्स एंड पुट देम ऑन हिज हॉर्सेस उसने कुछ थैलों को इन सिक्कों से भरा और अपने घोड़ों पर लादा ही सेड उसने कहा शट सेसमी बंद हो जा सिमसिम एंड द डोर शट और दरवाज़ा बंद हो गया ही क्विकली उसने तेजी से टुक द गोल्ड सोना लिया होम घर की तरफ टू हिज वाइफ अपनी बीवी के पास ही क्विकली टुक द गोल्ड होम टू हिज वाइफ उसने जल्दी से सोना अपने घर अपनी बीवी के पास ले गया वो जल्दी से सोना अपने घर अपनी बीवी के पास ले गया लुक एट ऑल दिस गोल्ड लुक एट देखो ऑल दिस गोल्ड इस सारे सोने की तरफ ही सेड उसने कहा इस तमाम सोने की तरफ देखो देयर इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ये एक बहुत बड़ी मिकदार है देयर इज है ये है अ वेरी लार्ज एक बहुत बड़ी अमाउंट मिकदार ये एक बहुत बड़ी मिकदार है वी कैन नॉट काउंट इट हम इसे गिन नहीं सकते वी मस्ट वे इट हमें इसको तोलना चाहिए वे वे मीन्स तोलना वी मस्ट वे इट हमें इसे तोलना चाहिए गुड गो टू माई ब्रदर मेरे भाई के पास जाओ कासिम कासिम गो टू माई ब्रदर कासिम मेरे भाई कासिम के पास जाओ एंड बोरो ही स्केल्स टू वे द गोल्ड और उसका तराजू सोने को तोलने के लिए उधार लेके आओ बोरो उधार लेना ही स्केल्स उसका तराजू टू वे तोलने के लिए द गोल्ड सोना मेरे भाई कासिम के पास जाओ और उसका तराजू सोना तोलने के लिए उधार लाओ When Alibaba, जब Alibaba's wife, Alibaba की बीवी asked for the scale, तराजू के लिए पूछा या तराजू मांगा कासिम्स वाइफ कासिम की बीवी थॉट सोचा why क्यों does she want ये चाहती है the scales, तराजू When Alibaba's wife asked for the scales, कासिम्स वाइफ thought, जब Alibaba की बीवी ने तराजू मांगा या तराजू के लिए पूछा तो कासिम की बीवी ने सोचा व्हाई डज शी वांट द स्केल्स वो तराजू क्यों चाहती है व्हाट डज शी वांट टू वे व्हाट डज वो क्या शी वांट चाहती है टू वे तोलना व्हाट डज शी वांट टू वे वो क्या तोलना चाहती है आई विल पुट सम बटर ऑन द बॉटम ऑफ द स्केल्स आई विल पुट मैं लगा दूंगी सम बटर थोड़ा सा मक्खन ऑन द बॉटम तह में ऑफ द स्केल्स तराजू के मैं तराजू के नीचे या मैं तराजू की तह में थोड़ा सा मक्खन लगा दूंगी अलीबाबाज वाइफ टुक द स्केल्स होम अलीबाबा की बीवी ने अलीबाबा की बीवी तराजू घर लाई एंड वेयर द गोल्ड और सोने को तोला देन फिर अलीबाबा डग ए होल एक सुराख खोदा या एक गड़ा खोदा Then Alibaba dug a hole in the ground and buried it. फिर Alibaba ने जमीन में एक गड़ा खोदा और उसमें दफन कर दिया His wife उसकी बीवी ने took the scales तराजू लिया back to Kasim's wife. कासिम की बीवी के पास वापिस His wife took the scales back to Kasim's wife. उसकी बीवी तराजू वापिस कासिम की बीवी के पास ले गई There वहाँ was a piece of gold. वहाँ था एक सोने का टुकड़ा स्टिकिंग चिपटा हुआ या चिमटा हुआ टू द बॉटम ऑफ द स्केल्स तराजू के नीचे देयर वॉज अ पीस ऑफ गोल्ड स्टिकिंग टू द बॉटम ऑफ द स्केल्स तराजू के नीचे या तराजू की तह में सोने का एक टुकड़ा चिपका हुआ था व्हेन कासिम्स वाइफ सॉ दिस जब कासिम की बीवी ने यह देखा शी शोल्ड हर हस्बैंड तो उसने अपने शोहर को दिखाया शोल्ड दिखाया हर हस्बैंड अपने शोहर को ही वेंट एट वंस फोरी वेंट गया ही वेंट एट वंस फोरी टू अलीबाबा अलीबाबा के पास एंड आस्क पूछा हिम उसको अबाउट द गोल्ड सोने के बारे में वो फौरी तौर पे अलीबाबा के पास गया और उससे सोने के बारे में पूछा अलीबाबा टोल्ड हिम अलीबाबा ने उसे बताया अबाउट द डोर दरवाजे के बारे में इन द रॉक चिटान के अलीबाबा ने उसे चिटान में दरवाजे के बारे में बताया एंड द मैजिक वर्ड और जादुई लफ्ज़ के बारे में अलीबाबा ने उसे चट्टान में दरवाजे और मैजिक लफ्ज़ जादुई लफ्ज़ के बारे में बताया कासिम फेल्ट एक्साइटेड कासिम बहुत पुरजोश हो गया व्हेन ही हर्ड अबाउट द गोल्ड जब उसने सोने के बारे में सुना
He quietly took 10 horses and put big boxes on their backs. उसने खामोशी से 10 घोड़े लिए और उनके ऊपर बड़े बड़े संदूक उनकी पुष्ट पर लाद दिए. बैग्स पुष्ट. When he reached the door, जब वो दरवाजे के पास पहुंचा, in the rock, चट्टान में, he said, उसने कहा, open sesame, खुल जा, sim sim, and the door opened, और दरवाजा खुल गया. When he reached the door, in the rock, he said, open sesame, and the door opened. जब वो चट्टान में दरवाजे के पास गया, या चट्टान में मौजूद दरवाजे के पास गया, उसने कहा, खुल जा, sim sim, और दरवाजा खुल गया. कासिम वेंट इनसाइड. कासिम अंदर चला गया. एंड फिल्ड हिज बॉक्सेस, और अपने संदूकों को भरा. विद गोल्ड एंड ज्यूल्स, सोने और जवाहरात के साथ. कासिम अंदर गया और अपने संदूकों को सोने और जवाहरात से भर लिया. देन ही ट्राइड, फिर उसने कोशिश की. टू गेट आउट, बाहर निकलने की. फिर उसने बाहर निकलने की कोशिश की. बट ही फॉरगॉट, लेकिन वो भूल गया. द मैजिक वर्ड, जादुई लफ्ज. बिकॉज ही वॉज एक्साइटेड, क्योंकि वो बहुत जोश में था. लेकिन वो जादुई लफ्ज़ भूल गया क्योंकि वो बहुत पुरजोश था या जोश में था. ही कुड नॉट गेट आउट, वो बाहर ना निकल सका. लेटर द थीव्स केम बैक. लेटर, थोड़ी देर बाद या बाद में. थीव्स, चोर, केम बैक, वापस आए. थोड़ी देर बाद या बाद में चोर वापस आए. व्हेन दे सॉ कासिम, जब उन्होंने कासिम को देखा. दे फेल्ट वेरी एंग्री, उन्हें बहुत गुस्सा आया. एंड दे किल्ड हिम, उन्होंने उसे कत्ल कर दिया. बाद में जब चोर आए, उन्होंने कासिम को देखा, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसको मार दिया या उसका कत्ल कर दिया. देन दे वेंट अवे, फिर वो दूर चले गए. दैट नाइट, उस रात अली बाबा वेंट गया टू लुक फॉर कासिम. लुक फॉर, तलाश करने के लिए या ढूंढने के लिए. कासिम को. उस रात अली बाबा कासिम को ढूंढने गया. वेन ही फाउंड ही, जब उसने उसको ढूंढा. ही फेल्ट वेरी सैड, उसको बहुत दुख हुआ. फेल्ट वेरी सैड, बहुत दुख हुआ. ही टुक कासिम्स बॉडी, उसने कासिम की लाश को लिया. होम, घर पे लाया. ऑन हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर. ही टुक कासिम्स बॉडी, उसने कासिम की लाश को होम, घर लाया. ऑन हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर. वो कासिम के लाश को अपने घोड़े पर रखकर घर लाया. एंड बेरीड हिम, और उसे दफना दिया. इन द मॉर्निंग, सुबह में. He took Kasim's body home on his horse and buried him in the morning. उसने कासिम की लाश को अपने घोड़े पर लादा, घर लाया और उसे सुबह दफना दिया. That day, उस रात, उस दिन, the thieves went back. चोर वापस चले गए. They could not find, वो ना ढूंढ सके. Kasim's body, कासिम की लाश को. Who has taken the body? लाश कौन ले गया है? They said, उन्होंने कहा. बॉडी का मतलब वैसे जिस्म होता है, लेकिन जहाँ क्योंकि वो डेड है, तो ये इसका मतलब होगा लाश. दे सर, उन्होंने कहा. हु हैज़ टेकन द बॉडी, लाश कौन ले गया है. समवन नोस, कोई जानता है. आर सीक्रेट, हमारा राज. वी मस्ट फाइंड हिम, हमें ज़रूर उसे ढूंढना चाहिए. एंड किल हिम, और उसे मार देना चाहिए. समवन नोस आर सीक्रेट, वी मस्ट फाइंड हिम एंड किल हिम, कोई हमारा राज जानता है, हमें उसे ढूंढना चाहिए और उसे मार देना चाहिए. तो ये थे पार्ट वन, अली बाबा एंड द 40 थीव्स का उर्दू में ट्रांसलेशन, इसका तर्जमा, वर्ड्स मीनिंग. नेक्स्ट इज, हियर आर 10 सेंटेंसेस अबाउट द स्टोरी. कहानी के मुतालिक यहाँ 10 जुमले दिए गए हैं. पुट अ टिक अगेंस्ट द वंस दैट आर ट्रू, जो सही है उनके सामने टिक का निशान लगाएं. एंड अक्रॉस अगेंस्ट द अनट्रू वंस, और जो दुरुस्त नहीं है, सच नहीं है, उनके सामने क्रॉस का निशान लगाएं. अली बाबा वॉज अ रिच मैन हु लिव्ड इन पर्जिया. अली बाबा एक अमीर आदमी था जो पर्जिया में रहता था. रोंग, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे. व्हेन अली बाबा सॉ द थीव्स, दे वर राइडिंग हॉर्सेस. जब अली बाबा ने चोरों को देखा, तो वो घोड़ों पर सवार थे. ट्रू, टिक लगाएंगे. द डोर ओपन्ड व्हेन द कैप्टन सेड द मैजिक वर्ड. दरवाजा खुल गया जब सरदार ने जादुई लफ्ज़ कहा. ट्रू, टिक लगाएंगे. अली बाबा फॉरगॉट अ मैजिक वर्ड. अली बाबा जादुई लफ्ज़ भूल गया. रोंग, कासिम भूला था. द कैप्टन एंड हिज मैन वर ऑनेस्ट. सरदार उसके आदमी ईमानदार थे. नो, वो डिसऑनेस्ट थे. अली बाबा टुक ऑल द गोल्ड कॉइन्स एंड ज्यूल्स होम. अली बाबा ने सारा सोना और तमाम जवाहरात घर ले गया था. नो, उसने कुछ बैग लिए थे. अली बाबा वॉन्टेड सम स्केल्स टू वे द गोल्ड. अली बाबा को तराजू की जरूरत थी सोने को तोलने के लिए. यस, टिक लगाएंगे.
ए ज्यूल स्टक टू द बॉटम ऑफ द स्केल्स, तराजू के साथ एक जो जेवर था वो अटक गया था या चिपक गया था। करेक्ट, कासिम फॉरगॉट द मैजिक वर्ड बिकॉज ही वॉज एक्साइटेड, कासिम जादुई लफ्ज भूल गया क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था। ट्रू, कासिम वॉज सैड व्हेन अली बाबा फाउंड हिम, कासिम बहुत उदास था जब अली बाबा ने उसे ढूंढा। अनट्रू, रॉन्ग है ये क्योंकि कासिम डेड था। सो इट वॉज आवर टुडेज लेसन। इफ यू लाइक दिस लेसन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।